ये देखो पूरा यंग यंग हो गया पूरा, उधर पे भी बहुत ज़्यादा लग गया। तो देखो पहले कम दिया था तो अभी ज़्यादा दे रहा है भाई, पूरा बहुत ज़्यादा हो गया ना। आलू पक गया, ये देखो पूरा, ये भी पूरा पक गया। हम लोग चिकन भी पक रहा है और एकदम पूरा बढ़िया ना बम्पर लोकल चिकन। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं यहाँ पर ग्रेवी के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया हम लोग की लोकल चिकन। गुड मॉर्निंग दोस्तों, संजय ठीक ब्लॉग में आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूँ। तो सुबह मेरे बेटी को लेके अभी रास्ते में घूम रहा हूँ भाई। तो कल ना बहुत ज़्यादा बारिश गिरा था, तो एकदम देखो अभी भी बारिश आने वाला है, तो मज़ा आ रहा है मेरे पीठ पीठ में चल चल के। तो फिलहाल मैम सब तो मतलब खाना वाना बना रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा रास्ते में घूमने के लिए आ गए। ऐसे ही एक्सरसाइज वगैरह हो जाएगा और क्या कह रहे हैं भाई, सुबह सुबह अच्छा भी लगता है क्या ना। तो सुबह का वेदर तो ठंडा ठंडा आता है हवा। और फिलहाल कल या फिर परसों मैं जाऊंगा बेंगलोर, वहाँ पर थोड़ा सा काम करने के लिए। और मैं जोगाहाटी में गया था, उधर पे अच्छा काम नहीं मिला भाई। पर उधर पे ना सब मतलब दलाल जैसे हैं, मतलब सब स्कैम ही करते हैं भाई। पैसा वगैरह बहुत ज़्यादा चार्जेस लेते हैं, उसके बाद मतलब काम वगैरह ढूंढ के देते हैं, ऐसा फ्रॉड वगैरह है उधर पर बहुत ज़्यादा। इस वजह से आ गया हूँ और रास्ते पर जा रहा है स्कूल का गाड़ी वगैरह। वाह दोस्तों, पूरा हाथ दुख गया था, तो अभी पैदल ही जाएंगे ये भी। चलो दुकान जाने का जिद कर रहा है, तो मिठाई वगैरह खर के देना पड़ेगा। ओके दोस्तों, पोजीशन वगैरह चेंज कर लिया है, तो ऊपर में रख दिया, मतलब इनको चलने में दिक्कत हो रहा है, तो इसी वजह से ऊपर में रख दिया। और जल्दी जल्दी जा भी सकते हैं, तो बारिश भी आने वाला है। देखो पूरा काला काला हो गया ना पूरा, तो ऐसे करके ब्लॉगिंग करना पड़ेगा। और कल रात को पूरा बारिश आया था, देखो पूरा पत्ती वगैरह बिखर के पूरा क्या ही बताएं, रास्ते का हालत एकदम ख़राब हो गया पूरा। नेचुरली हवा टाउन में ना ऐसा हवा हम लोग की गांव की तरह नहीं होता है, एकदम पूरा गरम गरम। मतलब जब ऑक्सीजन वगैरह हवा वगैरह जब अंदर जाता है ना, पूरा कैसा कैसा फीलिंग होता है, जब मतलब क्या ही बताएं, पूरा एक अलग सा फीलिंग हो जाता है। पूरा टाउन का जो वेदर है और गांव का जो वेदर, मतलब टोटली डिफरेंट। सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाता है ना पूरा टाउन में। अभी चिकन बनाएंगे दोस्तों, सुबह का ब्रेकफास्ट ना, तो चिकन वगैरह ला लिया है, तो अभी इसको बनाएंगे पूरा। वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है, सुबह वेदर पर घूम के आके तो पूरा धूप भी निकल गया ना, तो बनाते हैं अभी। इधर पे हम लोग चिकन पक रहा है कढ़ाई पे, ये देखो वाह, आलू और चिकन, थोड़ा टमाटर भी डाल दिया इधर, पूरा लोकल चिकन ना। ओ माय गॉड, पूरा अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा। आलू है पूरा पक गया आलू, ओहो पूरा बढ़िया ना, बाप रे बाप। इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, उसके बाद रेडी हो जाएगा। ऑलरेडी भाई देखो पूरा ग्रेवी भी सूख गया है, पानी भी डालना पड़ेगा ना। इधर पे पूरा आलू भी पड़ने वाला है, वो देखो अच्छी तरह से भून लेता हूँ, उसके बाद रेडी हो जाएगा। लास्ट में पानी डालेंगे दोस्तों, देखो पूरा गजब लग रहा है ना। वाह, आप ही यहाँ से पानी डालेंगे, वो ज़्यादा नहीं डालेंगे दोस्तों, यही हो जाएगा। ओके, और थोड़ा सा डाल देता हूँ, बहुत बढ़िया। तो ये ग्रेवी के लिए हो जाएगा, चलिए अभी ढक के रख देते हैं 20 मिनट, उसके बाद रेडी हो जाएगा। वाह, ये देखो दोस्तों पूरा चिकन रेडी हो गए हैं हम लोग की, पूरा गजब लग रहा है ना लोकल चिकन। वाओ, आलू के साथ पूरा स्मेल अच्छा है रे। और फिलहाल खाना वाना हो गया है सुबह का, चिकन से खाया एकदम पूरा बड़ी मज़े से खाया ना, पूरा मज़ा आ गया एकदम पूरा। वो पोर्क खाया, चिकन खाया, घर में आके एकदम पूरा पेट एकदम भर लगाया, पूरा भर गया पूरा, तो अच्छा लग रहा है। तो 2-3 दिन ऐसे रेस्ट करना पड़ेगा, चिकन विकन नहीं खाएंगे भाई, एकदम पूरा अच्छा नहीं लग रहा है पूरा, एकदम पूरा खाएगा 3-4 दिन पूरा ऐसे ही खाया पूरा चिकन पोर्क, चिकन पोर्क पूरा। ओके, हवा भी आ रहा है बहुत ज़्यादा। ओके फिलहाल अभी धूप बहुत ज़्यादा निकल गए हैं, देखो एकदम पूरा कड़ी धूप ना, मैं सोच रहा था कि बारिश देगा बहुत ज़्यादा, तो धूप निकल गए हैं। और हम लोग की जो सुअर बाबू हैं वो सो रहे हैं बड़ी मजे से। ए बबुआ, ये देखो खाते रहते हैं, सोते रहता है एकदम पूरा, इनका बर्तन भी पूरा एकदम फिनिश। ए बबुआ उठ जा उठ जा, चमाला पूरा गड्ढा कर दिया, तो इसको आज पूरा ढलाई देना पड़ेगा नीचे एकदम मिट्टी वगैरह भर के ना,
एकदम पूरा यहाँ पर पूरा छेद कर दिया एकदम। तो बाई चांस उधर पे मिट्टी खोद के भाग भी सकते हैं राड में, तो पता नहीं चलेगा, तो इसी वजह से इसको पूरा प्लेन करना पड़ेगा, कंक्रीट वगैरह जमा करना पड़ेगा आज, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा ना। जब मैं घर में नहीं रहूँगा तो मैं सब ध्यान नहीं रख पाएगा। तो फिलहाल इनकी तो खाना देखो पूरा सब्जी वगैरह कर रहे था हम लोग, प्याज वगैरह आलू वगैरह सब कुछ, तो ये बाद में बनाएंगे। देखो पूरा एकदम भुक्कर है, बहुत ज़्यादा खाता है भाई, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है। मैं सोच रहा था कि आप भी थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग थोड़ा सा बाज़ार में जाएंगे, और मेरे बेटे के लिए थोड़ा सा जूता खरीदना है। तो पिछले हफ्ते खरीदा था, मतलब जो स्कूटी में हम लोग दीदी के घर में गए थे उस टाइम पे, मतलब रास्ते में गिर गया था हम लोगों को पता ही नहीं चला। तो अभी ये एक सैंडल है, तो मतलब जोरा जोरा दो जोरा है ना, तो एक ही गिर गया है, तो एक सैंडल क्या करेगा। तो अभी फिर से नई सैंडल खरीदने के लिए जाएंगे, तो घर में तो नहीं रहेंगे तो बाद में दिक्कत हो जाएगी खरीदने में, तो इसी वजह से जाएंगे आज। वेदर तो एकदम अच्छा ही लग रहा है, रात में बारिश भी गिर सकते कुछ पता नहीं, इधर पे तो काला काला दिख रहा है, उधर पे एकदम साइड में हवा भी थरथरा आ रहा है, और इधर पे हेडफोन वगैरह लगा दिया है, मतलब सुना ही नहीं देता ना मेरा स्पीकर तो एकदम ख़त्म, तो इसी वजह से हेडफोन लगाना पड़ता है जब मैं ब्लॉगिंग करता हूँ तब। तो कभी कभी लगाता हूँ, कभी कभी नहीं, शर्म भी आता है लगाने में, आदत नहीं है ना। हम लोग जो किंग चिली है देखो, उस तो पूरा ढेर सारे लग गए ना, पूरा एकदम राजा मिर्चा पूरा, ये देखो पूरा बड़ा बड़ा एकदम पूरा जाल है भाई, ये एकदम एक खाने से तो पूरा आपका हवा टाइट हो जाता है पूरा। ये देखो पूरा यंग यंग हो गया पूरा, उधर पे भी बहुत ज़रा लग गया, नए नए पेड़ में जब लगा था तब करीब करीब चार पीस होगा लग गया था, तो अभी सेकेंड टाइम होगा तो इसी वजह ढेर सारे लग गए हैं पूरा। जब देता है ना तो फर के देता है, तो सही बोला, तो देखो पहले कम दिया था तो अभी ज़्यादा दे रहा है पूरा, पूरा बहुत ज़्यादा हो गया ना पूरा एकदम, बहुत ज़रा जाल है पूरा। एक मिर्ची खाने से तो पूरा हवा टाइट हो जाएगा, पूरा एक मिर्ची डालेंगे तो जो आप लोग की सब्जी है ना पूरा एकदम सही सलामत हो जाएगा एकदम पूरा, एक्स्ट्रा कोई जलने की ज़रूरत नहीं होता, मतलब एक मिर्ची से सब कुछ हो जाता है सब्जी वगैरह, इतना ही सारा जाल है। बारिश आ गई रे भाई, ये देखो पर बारिश गिर रहा है, ओ माय गॉड फिर से आ गया, वो देखो पूरा इधर पे पूरा काला काला हो गया ना, क्या ही बताएगा, देखो डेंजरस, ओ माय गॉड कितना सारा बारिश। ये देखो फिर से बारिश कम हो गया, देखो एकदम, और इधर पे पूरा काला काला दिख रहा है, वाह देखो इधर पूरा काला ना, अभी गिर भी सकता है बाद में, तो 5 मिनट होगा शायद, थोड़ा सा बारिश दिख रही चल गया। कूड़ा को निकाल लिया, चावल से जो निकलता है वो वाला सुअर को खाना देना है भाई, है ओके, इधर पे डाल देता हूँ लेके, वो देखो चावल में डाल देना, अभी इधर पे और थोड़ा सा डालेंगे, बहुत बढ़िया मिक्सिंग करते हैं दोस्तों, इस बर्तन से भी खाना थोड़ा सा लेंगे। ये देखो पूरा एक बाटी ले लिया है पूरा, बहुत बढ़िया, और थोड़ा सा लेंगे, और देखो पूरा टमाटर सब्जी क्या क्या है ना पूरा एकदम खाएगा आज तो भाई, मिक्सिंग अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ेगा भाई, बाप रे बाप। तो इधर पे सब चावल वगैरह सब्जी वगैरह सब कुछ है ना, इसको इधर पे डाल दिया, बहुत बढ़िया, अभी इसको थोड़ा सा काम करना है, बहुत ज़्यादा हो गया है, ये देखो अभी देना पड़ेगा इनको, ये ले आओ पैड भर के छमाएगा, ज़रा दूर हो गया इनका थाली, नजदीक ला देता हूँ भाई, ओए आजा पूरी आजा, क्या मारे नारी बहुत ज़्यादा
ताकत है। ओके, धीरे धीरे सब कुछ देना पड़ेगा। ये लो, ये ले, अभी इनको भी सब कुछ डाल देता हूँ भाई। ये ले, खा ले भाई, पैड बाकी खा ले। अभी अच्छी तरह से खा रहा है पूरा, एक दो दिन पहले तो नहीं खा रहा था, तो अभी जाके समझ में आया ये खाना बहुत टेस्टी होगा शायद, इसलिए खा रहा है। थोड़ा सा इसको खुजली वगैरह कर देता हूँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा, आजा आजा, खुजली वगैरह ऐसे करने से हम लोग की बातें वगैरह सुनेंगे भाई। ये देखो कभी कितना भरा भरा हो गया पूरा। चलो खाओ खाओ खाओ, पैड भर के खाओ भाई। मजा आ गया क्या? ओके, खाना दे दिया है और हम लोग खाना भी पक गया है, तो चलिए हम लोग खाना खाते हैं और इसको भी लेके जाना पड़ेगा अंदर। कल लाया था तो कम हो गया है पूरा, 3 किलो लाया था, फिर करीब 2 किलो हो जाएगा। ओके चलिए अंदर। तुम तुरु तुक तुरुरु, वाओ खाना पक गए रे, खाना खाएंगे रे, खाना खाएंगे। बारिश भी आने वाला है, पूरा काला काला हो गया है मौसम। ओके, फिलहाल हाथ वगैरह धो लिया है, सुअर को भी खाना दे दिया है हम लोग की जो बाबू है। तो फिलहाल हम भी अभी खाना खाएंगे दोस्तों। इधर पे भिंडी वगैरह पक गया है, ये देखो पूरा अच्छी तरह से ना, और चावल भी पूरा पक गया है इधर पे, और इधर पे है हम लोग की दाल, और कुछ नहीं है भाई, यही है भाई, भिंडी भाजी और दाल। तो चलिए इसको लेके जाते हैं अंदर और उसके बाद खाते हैं। ओके, इधर पे रखते हैं, ये देखो दाल भाई, बहुत बढ़िया ना, माय गॉड। फैन भी चल रहा है, करंट आ गया है, मोबाइल चार्ज करना पड़ेगा क्योंकि बारिश भी आने वाला है, तो रात में भाई बहुत ज़्यादा करंट भी नहीं होगा, ऊपर से केरोसिन भी नहीं है लैंप जलाने के लिए, तो फिर चार्ज वगैरह करके रखना पड़ेगा ना, रात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है भाई। अभी पैसा ही नहीं है सोलर खरीदने के लिए, जो छोटा वाला 2000-3000 जो मिलता है ना, तो वो वाला सोलर मतलब होम लाइटिंग के लिए जो रहते हैं ना, ऑनलाइन पे पाया जाता है, तो देखेंगे अरेंज करके अगले महीने कुछ ले पाता हूँ या फिर नहीं घर के लिए, क्योंकि मेरे बेटी और मेरा मेम साहब रहेंगे उधर पे घर पे, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, मैं रहूँगा टाउन पे तो अंधेरे में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा ना, तो अरेंज तो करना पड़ेगा। अभी हम लोगों की भिंडी लेके जाते हैं भाई, वाह बहुत बढ़िया लग रहा है। ओके, फिलहाल हम लोगों की भिंडी को इधर पर रख देता हूँ और अभी चावल लेके आता हूँ दोस्तों। आते बाप, खाना खाने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है भाई, हाथ लाओ और हाथ धोने के लिए पानी लाओ, चावल लाओ, सब्जी लाओ, पीने के लिए पानी लाओ, थाल भी लेके आना पड़ रहा है अभी, इधर पर रख दिया। और मेम साहब जो हैं दीदी के घर में गए हैं, तो वो ब्लॉग भी आएंगे, तो मैं पर उसे रख देता हूँ भाई। तो ऑलरेडी घर पे तो चावल है, तो ये सुअर के लिए रख देंगे, क्योंकि वो भी हम लोग की तरह खाना खाते हैं ना 2-3 बार दिन में, तो इसी वजह से इनको भी चाहिए खाना, तो रख देते हैं भाई। और हम लोग की प्रेशर कुकर से अभी हो गया है गर्म गर्म खाना, चलिए लेके जाते हैं, और चम्मच भी लेके जाना पड़ेगा। ओके, फिलहाल खाना खाने के लिए बैठ गए हैं और मैम साहब आ रहे हैं, तो इधर पे मैं चावल वगैरह थाली में परोस दिया हूँ,
तो पहले मैं ले लेता हूँ, वो लोग आ रहे हैं तो मैं धीरे धीरे करके परोसता हूँ। तो भिंडी भाजा थोड़ा सा ले लेता हूँ भाई, ये देखो। और इधर से थोड़ा सा दाल भी लेंगे, बहुत बढ़िया है मसूर का दाल, बहुत बढ़िया। ओके एक बार टेस्ट करके देख लेता हूँ भाई कैसा हुआ मेरा सब्जी। हाँ बहुत ही तो अच्छा ही लग रहा है, खुशबूदार। खा के देखते हैं ना, पहले भिंडी खाता हूँ और दाल के साथ मिक्स करके, बहुत बढ़िया। वाह अच्छा है, बहुत दिन के बाद भिंडी खाई, एकदम पूरा बढ़िया लग रहा है, लुकेल वाला ना। और भी खा कर देखता हूँ भाई। वैसे भिंडी मुझे अच्छा नहीं लगता, मतलब चिपचिपा जैसा कुछ हो जाता है ना, तो इसी वजह से। फिर भी ठीक है, आज खा रहा हूँ बहुत दिन के बाद। चलिए ख़त्म करते हैं और मैम साहब को भी वेट करना पड़ेगा। चलिए फिनिश कर देता हूँ ये वाला, उसके बाद प्रतीक्षा करते हैं उन लोगों का, वेट करते हैं। पूरा कर जाओ। ओके फिलहाल खाना बना हो गया है और बारिश भी गिर रहे हैं, मतलब दोपहर में जाने वाला था बाज़ार वो जा नहीं पाया क्योंकि बारिश गिरा था भाई। तो फिलहाल आज देखेंगे शाम को जा पाते हैं या फिर नहीं। और हम लोग की शोर बबू पूरा मज़े से इधर पे खा रहा है और भी। तो ऑलरेडी अभी इवनिंग होने वाला है, 5 बजने वाला है ना, तो लगभग अभी थोड़ा थोड़ा करके देखो, मतलब धूप नहीं है, मतलब काला काला दिख रहा है और भी बारिश गिर भी सकता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों इधर पे रखते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। और क्या ही बताएं, शाम को जाएंगे थोड़ा सा बाज़ार और वीडियो को भी अपलोड करना पड़ेगा बाज़ार में जाके एडिट विजिट करके। तो फिलहाल दोस्तों इधर पे रखते हैं। तो अगर मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। चलो मिलते हैं कल अंडे लोग, बाय टाटा।